कहते हैं अगर आप लखनऊ में तो बिल्कुल महफूज हैं, अब लखनऊ पुलिस ने शहर का अपराध मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत कर दी है। अगर आप कभी लखनऊ गए तो पुलिस का नमस्ते जरूर स्वीकार करिएगा, क्योंकि नवाबों के शहर में शुरू हो चुका है नमस्ते लखनऊ अभियान। कितना खास है ये अभियान, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नवाबों के शहर लखनऊ में अगर आपको पुलिस नमस्ते करते हुए दिख जाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये नमस्ते आपके फिक्र के लिए है। दरअसल लखनऊ पुलिस जनता को सुरक्षित रखने के लिए नमस्ते लखनऊ के नाम से अभियान चला रही है, ताकि लोगों को नमस्ते करने के साथ ही उनकी खैरियत पूछी जा सके। ये नमस्ते करते हुए पुलिस, लोगों से हालचाल लेती हुई पुलिस, सुबह शाम लोगों से तहजीब से बात करती हुई पुलिस, कहीं और नहीं बल्कि यूपी की राजधानी में आपको मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के दौरान देखने को मिलेगी। क्योंकि लखनऊ पुलिस के कंधों पर राजधानी को अपराध मुक्त बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद लखनऊ के कमिश्नर ने शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए यह विशेष अभियान चलाया है। कमिश्नर सुजीत पांडे ने गोमती नगर के चौराहे से नमस्ते लखनऊ की शुरुआत की। इस मौके पर कमिश्नर ने नमस्ते लखनऊ लिखी हुई पुलिस जीप और बीआरबी को थाने से रवाना किया, जो रोज पार्क के पास खड़ी मिलेगी। लखनऊ में सुबह वॉक करने वालों से अब लखनऊ पुलिस नमस्ते करेगी। इस अभियान की शुरुआत आज लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने कर दी है। हमारे सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ियां जा रही हैं, ये रवाना कर दी गई हैं लखनऊ के अलग अलग इलाकों में, जहां पर लोग नमस्ते लखनऊ अभियान की शुरुआत करेंगे और लोगों से उनसे नमस्ते करेंगे और साथ ही साथ उनसे उनका हालचाल भी पूछेंगे कि आखिरकार आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं पुलिस से कनेक्ट करने में, या क्या क्या समस्याएँ आती हैं आपको सुबह टहलने में। इस पूरी पीआरवी की गाड़ी में एक सब इंस्पेक्टर रहेंगे, दो सिपाही रहेंगे, साथ ही साथ एक महिला आरक्षी भी रहेगी, जो महिलाओं से पूछेगी कि आखिरकार आपको मॉर्निंग में, यानी कि सुबह जब वॉक पे निकलते हैं, शाम को वॉक पे निकलते हैं, तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लखनऊ की इस पहल को, पुलिस की पहल को काफ़ी लोग सराहना कर रहे हैं कि आखिरकार जब पुलिस लोगों से नमस्ते कर उनसे उनका हालचाल पूछेगी, साथ ही साथ उनकी समस्याएं पूछेगी, तो जो मित्र पुलिस की एक भावना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश अवस्थी की, वो कहीं ना कहीं सफल होती दिखेगी। नमस्ते लखनऊ अभियान के तहत सुबह शाम पार्क और सड़क पर टहलने वाले लोगों के लिए पुलिस की विशेष गश्त लगाई जाएगी। पार्क के नजदीक मोबाइल गश्त टीम लगेगी, साथ ही वॉक पर निकलने वालों से नमस्ते करते हुए पुलिस उनका हालचाल भी पूछेगी। ये अभियान सुबह शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक चलेगा। पुलिस की गाड़ियों पर नमस्ते लखनऊ लिखा होगा। इन गाड़ियों में एक दारोगा, दो महिला सिपाही समेत 5 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हमें ज्यादा सूचनाएं मिलेंगी, उनकी लोकल परेशानियां ज्यादा मिलेंगी। लोगों को मॉर्निंग में और इवनिंग में जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ज्यादा पुलिस प्रेजेंस दिखेगा, प्रोबेबली दे विल फील मच बेटर। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए पुलिसकर्मियों को बीते दिनों 3 दिवसीय ट्रेनिंग भी दी गई। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, तमाम बातों की जानकारी दी गई। इस अभियान में पुलिस के नमस्ते करने से जहां एक ओर शहर के लोगों में काफी खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर लोग इस अभियान से अचंभित भी हैं कि क्या लखनऊ पुलिस नमस्ते भी कर सकती है। सर, पुलिस के लिए नमस्ते करना एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि पुलिस कभी किसी से नमस्ते नहीं करती, बल्कि वो हमें लगता है कि बोलना भी पसंद नहीं करती। लोग इसलिए डरते हैं उनसे। अगर वो पुलिस नमस्ते करेंगे तो लोग इजी फील करेंगे और कोई प्रॉब्लम में होंगे तो आसानी से उनके पास तक पहुंच पाएंगे वो। हमें बहुत अच्छा लगेगा, ख़ास तौर से अगर पुलिस ऐसा करेगी तो हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है, ये तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये तो गांधीगिरी को, मतलब आप एक तरह से उसकी प्रोग्रेस है। हमें पुलिस वाले अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि वो हमें नमस्ते करेंगे, हमारे हालचाल पूछेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम्स होती हैं और पुलिस के व्यवहार से थोड़ा सा डर भी लगता था हम लोगों को, लेकिन अब ऐसा होगा तो हम लोगों में एक दोस्ताना फिज़ा कायम हो जाएगी यहाँ के शहरियों और पुलिस के दरमियान। बहरहाल लखनऊ में बीते दिनों 1 महीने में 3 हत्याओं को अंजाम दिया गया था, जिस वजह से लखनऊ के लोग अपने आप को असुरक्षित समझने लगे थे, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के अभियान की शुरुआत की है।
लखनऊ से गगन मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।